क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PQRS। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको PQRS शोन इन द फिगर विद हाइट PQ। ओके, विद हाइट PQ, तो ध्यान दें, ये देखिए ये हाइट आपको PQ दी हुई है। ठीक है, अब देखिए आपने कैसा ट्रेपेजियम पढ़ा हुआ है, आपने कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे, करेक्ट, ये ऐसे ट्रेपेजियम आपने पढ़ा हुआ है, यस और नो? ठीक है, चलिए, तो बच्चों देखिए इसमें ये पैरेलल साइड्स होती हैं जिसको आप ए और बी बोलते थे, यस और नो? ठीक, और ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था जिसको आप हाइट बोलते थे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता था, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो कि पैरेलल साइड की, जो कि पैरेलल, ये देखिए ये जो आपको हाइट दिख रहा है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ओके, इंटू एच। ऐसा ही आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, अब एक बार बताओ, क्या जरूरी है कि ट्रेपेजियम ऐसा दिखाई पड़े आपको? नहीं। क्या ट्रेपेजियम ऐसा नहीं दिखाई पड़ सकता? बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, ये देखिए जरा भाई, ट्रेपेजियम कैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ओनली टू साइड्स पैरेलल हो बस। तो यहां पे देखिए, अगर ट्रेपेजियम ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर ट्रेपेजियम आपका ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? मतलब सुन लो, देखो ये पैरेलल साइड्स हो गई, ठीक है, ये देखिए ए हो गया और ये हो गया आपका बी, और ये देखिए ये सामने से एक परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से, ऐसा ट्रेपेजियम नहीं दिख सकता है। ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है, दो साइड्स कोई भी पैरेलल होनी चाहिए ना। तो ये देखो, दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर इसी को पकड़ के हम ऐसे घुमा दें, चेक करिए, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, सही है, तो यहां देखो ये एस है और ये क्या है, आर है, ठीक, और ये क्या है, क्यू है, और ये पी। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, बताइए? तो सोचिए जरा, क्या ये ट्रेपेजियम नहीं है? तो बताओ इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, आरएस और एसपी, यानी कि दिस एसपी इज पैरेलल टू व्हाट, आरएस, यस और नो? उसके बाद जब इसको ऐसे घुमा दोगे बेटा, तो ये देखिए यही तो हाइट है, यही तो डिस्टेंस बिटवीन क्या है, पैरेलल साइड्स, ये 90 है ना, तो यहां पे भी आपको दिख रहा है ये PQ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि ये एंगल 90 होगा और ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, 90 यहां पर होगा, करेक्ट। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एसपी और आरएस, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, PQ है, तो डिस्टेंस बिटवीन, ये देखिए एसपी और RQ के बीच का, भाई एसपी पैरेलल है RQ के और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, PQ है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज व्हाट, इज PQ, यस और नो? अब सुनो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यही तो होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है, देखिए 1/2 इंटू, ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ व्हाट, पैरेलल साइड्स इंटू एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये सुनो नाउ, अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ इंटू, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दिया, पैरेलल साइड ये देखिए एसपी और आरक्यू है ना, तो एसपी और प्लस आरक्यू और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है, पीक्यू है। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, 1/2 इंटू, ये देखिए एसपी और आरक्यू तो आपको पता है, एसपी कितना है, 12 है, ठीक, 12 मीटर, और प्लस आरक्यू भी आपको पता है कितना है, 7 है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि पीक्यू की वैल्यू नहीं पता है बेटा, पीक्यू पता चल जाए तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। लो, पीक्यू प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए, पीक्यू तो नहीं गिवन है, ठीक है। तो देखिए पीक्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए, पीक्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है कंस्ट्रक्शन, देखिए बच्चों ये जो पॉइंट आर दिखाई पड़ रहा है, ये सुनो, पॉइंट आर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, किस पे, एसपी से, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एसपी के ऊपर लाइक दिस, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आर एम, ड्रॉ आर एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, एसपी, एसपी, ठीक है, ये सुनो, बताइए मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, एक बात बताओ, ये 90 था, ये 90 था, ये 90 कंस्ट्रक्शन से हो गया, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तो 90 हो जाएगा, क्यों,
क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो सोचो ये 90, ये 90, ये 90, 90 प्लस 90 प्लस 90 270, 270 को 360 से माइनस करोगे तो 90 तो आएगा। अब बताओ ये क्या दिखाई पड़ रहा है? अब बच्चे बोलेंगे स्क्वायर, ना 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 स्क्वायर मत बोलो, स्क्वायर मत बोलो, रेक्टेंगल बोल दो, पैरलोग्राम बोल दो, क्योंकि पैरलोग्राम बोल दिया करो जनरली। पैरलोग्राम क्यों सर? पैरलोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सुनो। तो देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो पैरलोग्राम है। अब पैरलोग्राम में क्या होता है सोचो, पैरलोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं होती बताइए, है ना। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए ये पूरा आपका 12 दिया था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं बेटा कि MR का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के, ये सुनो भाई, MRQP इज अ पैरलोग्राम ना, तो जितना MR होगा उतना ही तो PQ होगा, हाँ, तो MR इज इक्वल टू PQ, ये सुनो, तो MR इज इक्वल टू PQ, यानी कि अगर आप MR निकालने में कामयाब हो गए, ये MR अगर आप निकाल ले गए तो आपका PQ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो सुनिए अब ये MR कैसे निकालेंगे, चेक करिए, ये वाला अगर एंगल 90 बेटा लीनियर पेयर से, ये एंगल भी तो कितना होगा 90, तो बताओ ट्रायंगल SMR क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन इन ट्रायंगल SMR विच इज अ राइट एंगल एट M, बस आप इसको देखिए SMR को देखो बेटा, लगा दो पाइथागोरस, क्या होगी SR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, SM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, SR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखिए SR स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, SM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ओके SM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब देखिए यहां से SR का वैल्यू कितना है, SR का वैल्यू कितना है 13 है, लेकिन यहां SR का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू, SM का वैल्यू कितना है, ये देखिए बच्चों SM का वैल्यू कितना है ये आप कैसे पता करोगे, यहां सावधानी आपको रखनी है, सुन लीजिए बहुत ध्यान से बेटा, RQ जितना है, RQ जितना है ठीक, उतना ही तो M से लेके P तक होगा कि नहीं होगा बताओ, तो RQ कितना है 7 है, तो MP भी कितना होगा 7, यस और नो, अब एक बार बताओ बेटा पूरा अगर 12 था और ये 7 है तो ये कितना बचेगा 5, कैसे 12 में से 7 क्या करोगे माइनस, तो ये SM कितना हो जाएगा 5, यस और नो 5 मीटर, ये लीजिए यानी कि SM का वैल्यू मिल गया हमको कितना 5, ओके तो SM का वैल्यू कितना हो गया 5, तो ये लीजिए ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। नाउ सॉल्व करिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर मींस 13 इंटू 13 169, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और प्लस MR स्क्वायर, करेक्ट। नाउ बेटा ये 25 को इधर भेज दो क्या हो जाएगा 169 में से 25 माइनस करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर, यस और नो, तो आगे मैं यहां सॉल्व करता हूं, दिस इंप्लाइज देखिए MR स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोलिए कितना आ गया 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा बेटा 144, है ना 144, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, क्यों क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, तो MR इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12 मीटर्स, ओके यस और नो, ये लीजिए जितना MR है उतना ही, जितना MR है MR कितना आ गया 12 मीटर आ गया, तो बेटा PQ भी कितना हो जाएगा 12 मीटर, यस और नो। अब आप जहां फंसे थे वहां वापस चले जाओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू PQ, PQ इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ओके तो उसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा एरिया, इसमें वैल्यू रख दीजिए, देखिए एरिया कितना आ रहा था आपका, अब वापस यहां जाइए PQ मिल गया ना, जितना MR है MR कितना है 12, तो PQ भी कितना हो जाएगा 12, अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए तो यहीं पे चलो सॉल्व कर दें आगे, चलो 1/2 इंटू, अब देखो 12 प्लस 7 कितना होता है 19, तो ये आ जाएगा 19 ठीक है इंटू PQ का वैल्यू कितना है 12, करेक्ट। नाउ 2 × 2 2 × 6 = 12 ठीक है 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा 114 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, एरिया कितना आ गया 114 मीटर स्क्वायर, 19 × 6 114 मीटर स्क्वायर, ओके।